दोस्तों हम बनाने वाले हैं एक काउंटर, और ये हमारी ऑफिस बन रही है यहाँ पर, और इस साइड में हम बनाने वाले हैं एक एल काउंटर। तो अब हम बनाते हैं इस काउंटर को। तो ये हमारा जो काउंटर का ऊपर का टॉप है, इसको हमने यहाँ पर एल में कटिंग किया है। और अब जो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, ये जो हमारा काउंटर है, ये भी एल साइज में पूरा यहाँ पर बना हुआ है। इसकी जो धार हमने 1.5 इंच करी है, इसकी भी हम यहाँ पर ये पट्टी लगाकर इसकी धार को 1.5 इंच कर लेंगे। और इधर भी हम यहाँ पर एक पट्टा लगा देंगे। ये दोस्तों सामने की धार है, जैसे ये धार दिख रही है सामने की प्लाई की, वैसे ही उधर की धार भी दिखेगी। तो ये पट्टी हमारी यहाँ पर लग चुकी है कंप्लीट। और अब हम यहाँ पर इन दोनों का साइड का बॉक्स बनाएंगे, और अब हम यहाँ पर एक बॉक्स बना रहे हैं। तो फाइनली हमारे दोनों बॉक्स यहाँ पर बन चुके हैं। ये बॉक्स हमारा 13 इंच का है, और ये बॉक्स हमारा 1.5 फिट का है। और ये जो बॉक्स है ये अपना इधर आएगा, और वो वाला जो बॉक्स है वो इधर आएगा। इसके ऊपर हम एक दराज बनाएंगे, नीचे एक दरवाज़ा, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक सिंगल दरवाज़ा बनाएंगे, जो हमारा दरवाज़ा है वो इधर खुलेगा। तो ये दोनों बॉक्स हमारे कंप्लीट हैं। और अब हम क्या करेंगे, ये जो बॉक्स है इसके पीछे की प्लाई लगाएंगे। तो ये प्लाई हमारी यहाँ पर कटिंग होकर रेडी पड़ी है, इसको लगाना है। और ये हम 19 mm लगा रहे हैं, क्योंकि ये काउंटर की सामने वाली प्लाई है। और इस प्लाई को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये स्क्रू में टाइट कर देंगे कुछ इस तरीके से। हमारी प्लाई लग रही है, ये आप देख सकते हो। और मित्रों ये हमारा एक ऑफिस बन रहा है, ये आप देख सकते हो। ये जो हमारा काउंटर है वो इस साइड में आएगा। तो ये हमारी प्लाई जो है इसके ऊपर ये लग चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टॉप है इसको हम यहाँ पर रखेंगे। और ये हमारा जो टॉप है इसको अभी हम लगा रहे हैं, अभी जो यहाँ पर ये स्क्रू टाइट कर देंगे। और ये जो प्लाई है इसके ऊपर से यहाँ पर ये स्क्रू लग चुके हैं हमारे, और अभी ये जो बॉक्स है इसको भी लगाना है, तो इसको भी यहाँ पर लगा देंगे। तो ये बॉक्स भी हमारा यहाँ पर ये लग चुका है। और ये हम यहाँ पर ये पीछे की प्लाई लगा रहे हैं, ये हम पीछे की साइड में 12 mm लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारी प्लाई यहाँ पर लग चुकी है, आप देख सकते हो हमारा जो काउंटर है वो किस तरीके से यहाँ पर ये बना है। और अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा काउंटर है इसको हम वहाँ पर रखेंगे। तो फाइनली हमारा जो काउंटर है वो बनके रेडी हो चुका है। और अपनी जगह पर आने के बाद इसका लुकिंग आप देख सकते हो, किस तरह ये अपना जो काउंटर है इसका लुकिंग आ रहा है। और आप ये देख सकते हो, मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पर हमने इस धार से इसको 3 इंच अंदर रखा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी चौड़ाई 21 इंच है, और यहाँ पर ये 1.5 फिट की चौड़ाई में है। और इस साइड में हम क्या करेंगे, एक सिंगल पल्ला बनाएंगे, और इधर एक दराज बनेगी, नीचे एक पल्ला बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक 1.5 फिट का हम यहाँ पर कीबोर्ड बनाएंगे। और मित्रों खास बात यह है, हमने इसको 1 पीस में बनाया है। आप चाहें तो इसको 2 पार्ट में भी यहाँ से अलग कर सकते हैं, आप इसको 2 पार्ट में भी आप बना सकते हैं। अपना जो ये काउंटर है बिल्कुल एकदम प्लेन बना है, आप देख सकते हो इसकी लुकिंग। और अभी हम यहाँ पर इसके ऊपर लगाने वाले हैं माइका। आपको कैसा लगा इस काउंटर के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों ये काउंटर कैसा लगा आपको, प्लेन काउंटर है, आपको अच्छा लगा? और कोई कमी पेशी हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।